हेलो हेलो डेवलपर्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फायरबेस से फ्लटर प्रोजेक्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो उसके लिए ये मैंने सिंपल एक डेफल्टी है उसको लॉन्च कर चुका हूँ। यहाँ पे नॉर्मल कोई डेफल्टी है और जाएंगे अब फायरबेस में हम लोग। ओके, ये हमारा फायरबेस कॉन्सोल है। आप भी यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दें जो वहाँ पे है, या कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे मेरा है डेमो। तो इस तरह से हो गया डेमो प्रोजेक्ट। चलिए ओके, अब आप कंटिन्यू इस तरह से कर दें। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ और एक दो स्टेप्स हैं उसके लिए। गूगल एनालिटिक्स इनेबल करना चाहते कि नहीं वो पूछ रहा है, तो इनेबल ही रखिए उसको, कोई ये नहीं है। कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए उसका, तो मैं डिफ़ॉल्ट में ही रख दूँगा एनालिटिक्स वो है। अब इसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये बस आपका 2 से 3 मिनट लेगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ये देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट अब रेडी हो चुका है, डेमो प्रोजेक्ट बोल के फायरबेस में। अब मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा इस तरह से। ये फिर जब आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ के आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि आपको iOS का ये प्रोजेक्ट है, कि एंड्रॉयड का, कि वेब, कि यूनिटी, चारों इसमें आपको सपोर्टेड मिलेंगे। तो अभी तो खैर मेरा ये एंड्रॉयड है, मैं एंड्रॉयड में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना कंपनी नेम दे देना है, एंड्रॉयड पैकेज नेम यहाँ पे से आपको मिलेगा ये। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे, उसके बाद एंड्रॉयड में जाना है, ऐप सोर्स ये बिल ग्रेडर। ये इस आईडी का, एप्लीकेशन आईडी को आपको कॉपी करना है और ले जाके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इसको कंटिन्यू कर देना है, रजिस्टर कर देना है। उसके बाद आपको ये जेसन फाइल होगा एक, इसको डाउनलोड करना है और इसको आपको इस जगह में डालना है ऐप के अंदर सोर्स में। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको जाना था यहाँ पे ऐप में, ऐप में ही। यहाँ पे देखिए आप ऐप के अंदर, बस ऐप के अंदर ही डाल देना है। ये इसको इस तरह से उठाना है, ये जाके इस ऐप में। डाल देना है तो इस तरह से आप इसको रिफैक्टर कर दें। उसके बाद यहाँ पे आ गया है। और आप लोग ध्यान देखें कि इसमें सिर्फ गूगल सर्विसेज ही होना चाहिए, यहाँ पे 1, 2 वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। उसके कारण से आपका ये हो जाएगा और बस इसको आपको बंद कर देना है। यहाँ का काम आपका हो गया। उसके बाद आप लोग फिर चले जाएँ यहाँ पर कंसोल में। कंसोल में जाके आप लोग ये भी कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर फिर एक दो चीज़ आपको ये करना है बस, जैसे कि आपको पहले अपना बिल ग्रेडल में जाना है, एंड्रॉयड के अंदर ही। ये देखिए प्रोजेक्ट लेवल बिल ग्रेडल, इसका मतलब वो आपका प्रोजेक्ट एंड्रॉयड लेवल, ये वाला बिल ग्रेडल में जाना है। यहाँ पे आपको डिपेंडेंसीज, कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करने पड़ेंगे। ये एक ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर जाए यहाँ पे, उसके बाद इसको एक यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है बस। और फिर ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऑल प्रोजेक्ट में गूगल बोल के ये रहे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे में है ये, इस तरह से आपके में भी होना चाहिए। उसके बाद बस
अब एक सेकेंड बस, इसको उसके बाद आपको सेव कर देना है और इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपको जाना है ऐप में, ऐप लेवल बिल्ड डिटेल को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे भी एक दो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि ये प्लगइन अप्लाई करना है। प्लगइन्स इधर ही मिलेंगे, ये पहले से ही रहता है, इसमें ध्यान देना है कि है होना चाहिए। बस इसके नीचे ये वाला लाइन गूगल सर्विसेज, इसको कॉपी करके इस प्लगइन के नीचे इस तरह से डाल देना है। उसके बाद आप फिर और कुछ हैं, ये हो गया। उसके बाद डिपेंडेंसीज में आपको ये दोनों ऐड कर देना है। फिर आपको वहीं पे जाके डिपेंडेंसीज यहाँ पे, और एक है ये एनालिटिक्स के लिए। उसके बाद इसको इस तरह से, उसके बाद ये सब होने के बाद इसको भी वापस से सेव कर देना है इस तरह से। उसके बाद इसको भी आप बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपको चले जाना है वापस से वहीं पे ये पेज ही में। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे फिर से। उसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाए तो फिर आप कंटिन्यूटी कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये जो अभी मैंने किया। उसके बाद आप यहाँ पे, अब आप लोग को और नेक्स्ट स्टेप में एक ये काम करना है, इसको एक बार टर्मिनेट करके फिर से रीलॉन्च कर देना है इस तरह से। ग्रेडल एक्सेप्शन है, स्ट्रेस इन्फो डिबग, कुछ मिस्टेक हो चुका है। एक सेकेंड, रन इन्फो डिबग इंक्रीज दिस प्रोजेक्ट में। ओ बस 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 यहीं पे ये था। मिनिमम SDK वर्जन को 16 से ये कर देना है, इसको आपको 21 कर देना है अभी के लिए। इसको आप 21 कर दें इस तरह से। उसके बाद इसको आप सेव करके फिर से इसको रीलॉन्च कीजिए, इस बार हो जाएगा। वो SDK वर्जन के लिए था। ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। इसका मतलब कि हमारा इसका फायरबेस के साथ कनेक्शन पूरी तरह से अब बन चुका है। अब आप लोग ये इरर दिख रहा है, ये इसी का एंड्रॉयड का वो है, ये हम लोग के इसके कारण से नहीं है, ये बस इसी तरह से रहेगा। और आप लोग मतलब कि मेक श्योर कीजिएगा कि आपका मिनिमम SDK वर्जन 19 से नीचे ना हो, ऊपर ही हो, उसी के कारण से ये इस तरह से आपका इरर दिखेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके ऑथेंटिकेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे मैं और कुछ आप लोग को सिखाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।